सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। केंद्र सरकार आज केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि आज शाम जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कम से कम 8,000 रुपये का इजाफा किया जाए। यानी कि अब तक जो न्यूनतम सैलरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 18,000 रुपये थी, वो अगर ये सिफारिश आज शाम में मंजूरी मिल जाती है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, तो ये रकम कम से कम 26,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी की न्यूनतम आमदनी, न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये होगी। आपको बता दें, सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार इसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा कि जो स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर जो है, उसमें उनका बहुत काम नहीं चल रहा है। इसको देखते हुए इस पर कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसको लेकर के कैबिनेट कमेटी जो है आज बैठेगी शाम में और हो सकता है कि इस पर फैसला ले लिया जाए। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि एक महीने पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया था और उसमें जो डीए मिलता है, जिसको कि 2-4% जिसमें इजाफा होता था, उसमें लगभग 12-17% का इजाफा किया था और इसके तहत जो है सबकी सैलरी में काफ़ी एक फायदा हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों को। अब इसको जो सैलरी स्ट्रक्चर अगर इस पे मुहर लगती है तो आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ की केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनके परिवार वालों की संख्या ज़्यादा है, तो एक तरीके से ये माना जा रहा है या इसको इस तरीके से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि दिल्ली में चूंकि चुनाव होने वाले हैं तो इस फैसले की काफ़ी बड़ी अहमियत हो सकती है बीजेपी के लिए, या फिर सरकार को ये अगर केंद्रीय कर्मचारियों, चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका वोट बैंक दिल्ली में ज़्यादा है, तो एक बड़ा फायदा मिल सकता है बीजेपी को और दिल्ली के चुनावों में। इस नज़रिए से भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही खुशी का वक्त है। हो सकता है कि शाम में ये फैसला आ जाए और जब ये फैसला आ जाएगा तो लगभग 50 लाख कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा देने जा रही है ये सरकार।